जी व्यूअर्स, ये एक बहुत क्विक सी वीडियो है जो कि मैंने एनजाइटी या घबराहट, परेशानी, बेचैनी जो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में, उसके लिए मैंने जो है ये बनाई। तो आई होप कि आपको इसमें कुछ डिफरेंट जो है वो मिलेगा। अच्छा, सबसे पहले तो व्यूअर्स ये बताती चलूँ कि इस वीडियो की बहुत ही, मेरी बहनों ने बहुत ही डिमांड की थी कि प्लीज़ एक एनजाइटी या घबराहट परेशानी पर एक वीडियो दे दें। तो उस सिलसिले में जो है मुझे जो है मैंने ये सोचा कि जल्दी से उनको एक जल्दी से बना डालूँ एक वीडियो, ताकि जो है उन्हें फ़ौरन फ़ायदा हो। अच्छा, तो अब सबसे पहले अगर एनजाइटी को मैं एक्सप्लेन करूँ तो उसमें ये होता है कि भाई एनजाइटी, आप देखें, घबराहट, बेचैनी, परेशानी एक ही एक नॉर्मल सा अमल है जो कि अक्सर लोगों में देखने को मिलता है। तो लेकिन अगर ये जो अमल है या ये जो एक एहसास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो फिर ये होता है कि भाई हम जो है वो एक बीमारी जिसे आप एनजाइटी कहते हो या फोबियाज हैं, उसका शिकार हो जाते हो। अच्छा, अब एन्जाइटी और फोबिया में क्या फ़र्क है? एन्जाइटी जो होती है वो ये घबराहट और परेशानी है जो कि आपको बैठे बैठे जो है आपको खुद ब खुद ही होना शुरू हो जाती है, ठीक है, उसके पीछे कोई जो है एहसास नहीं है, ठीक है। और फोबियास ये होते हैं कि भाई जब वो चीज़ वो सामने आती है, ठीक है, तो आप उसको देख के जो है वो घबरा जाते हो, परेशानी का शिकार हो जाते हो। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगी कि एन्जाइटी का ताल्लुक आपकी थॉट से है, ठीक है, आपके जहन में फ़ौरन एक खुद ही से थॉट आई और आप जो है उसको जो है उस एन्जाइटी में चले गए, फ़ौरन घबराहट परेशानी का शिकार हो गए। और फोबिया ये है कि वो चीज़ आपके सामने आ गई, ठीक है। तो अब इसको फ़र्क कैसे, मतलब इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? इसमें यह है कि फोबिया ये है कि जैसे आप किसी काली बिल्ली से डरते हो या किसी आप छिपकली से डरते हो, ठीक है, या आप हो सकता है अपनी सांस से डरते हो, ठीक है, तो जब वो सामने आती हैं तो बस आपको एकदम पैनिक अटैक हो जाता है और इसे आप कहते हो कि जी फोबियाज हो गए हैं जिस लड़की को। तो फोबिया ये है कि जब वो चीज़ सामने आई और आप घबराहट परेशानी का शिकार हो गए। तो फोबिया का इलाज जो है वो थोड़ा सा आसान होता है कि फिर आप उस चीज़ को अवॉइड करें, ठीक है। जैसे अब आपको काली बिल्ली से डरते हैं, किसी और सुरख कपड़ों से डरते हैं, तो फिर बेहतर है कि आप इन चीज़ों से दूर रहें, ठीक है। अब सांस से कोई डरता है तो फिर उससे तो बचना बहुत मुश्किल है, उसके लिए फिर एडवांस ट्रीटमेंट चाहिए होगी। लेकिन ये है कि फोबियाज का ये इलाज होता है कि जो है आप उस चीज़ से दूर रहें, ठीक है। और एन्जाइटी, हाँ जी, इसको अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या है। एन्जाइटी ये है कि देखें, आपको जैसे कोई भी थॉट एकदम से खुद ही आपके दिमाग में आती है और खुद ही जो है आप एक घबराहट, परेशानी, स्ट्रेस की कैफियत में चले जाते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बच्चा है और उसके घर में कोई, जैसे वो मतलब छोटा था तो जो है वो उसके घर में कोई चोर आया जिसकी जो है बहुत बड़ी बड़ी सी मूछें थी, ठीक है। तो अब वो बच्चा बड़ा भी हो जाएगा तो भी जो है ना वो जब वो एक बड़ी सी मूछों वाला आदमी देखेगा तो उसको जो है वो एन्जाइटी की कैफियत या उसमें जो है परेशानी की कैफियत आना शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि उसको इस चीज़ का इल्म हो कि मुझे किस वजह से एन्जाइटी हो रही है, ये भी हो सकता है कि उसको इस चीज़ का इल्म नहीं है और वो खुद बखुद ही जो है वो एन्जाइटी के अंदर आ रही है, ठीक है। तो एंजाइटी ये होती है। अच्छा, घबराहट परेशानी जिसे कहते हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा इसको समझें कि भाई देखें, ये एक नॉर्मल रिस्पांस है, यानी खौफ में आ जाना या फियर जो है ये उसकी एक एग्जैजरेटेड फॉर्म है जिसको आप एंजाइटी या फोबियाज कहते हो, ठीक है। यानी फियर एक नॉर्मल एहसास है और उसको जब ये इंक्रीज हो जाए बहुत ज़्यादा तो ये एक डिजीज़ की सूरत इख्तियार कर लेता है जिसे आप एंजाइटी कहते हो। और इसके लिए जो है फिर आपको एंजोलिटिक्स खानी पड़ती हैं, आपकी डिफरेंट जो है वो थेरेपीज होती हैं, जिसको CBT थेरेपी है, थॉट मतलब वो टॉक थेरेपी है, और जिसमें आपको अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना बताया जाता है, तो फिर वो आपको वो लेनी पड़ती है, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा आजकल ये कॉमन है और बहुत से लोग जो है इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं और फिर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स ट्राई करते हैं, कुछ को फ़ायदा होता है, कुछ को नहीं होता, ठीक है। तो आज थोड़ा सा इसके बारे में जो है एक डिफरेंट अंदाज से देखते हैं। अच्छा, अब देखें, थोड़ा सा ब्रेन लेवल पे मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि ब्रेन लेवल पे एंजाइटी क्या होती है। एक्चुअली देखें, फियर जो है अल्लाह ने जो है इंसान को बचाने के लिए डिफरेंट चीज़ों से इंसान के अंदर जो है वो फियर और उसके बाद जो है उसकी फिजिकल चेंजेस क्या आएंगी वो उसमें अल्लाह ने रख दिया है, ठीक है जी। अब जब भी आप देखेंगे, जब हमारे इर्द गिर्द कोई धमाका हो जाए, एकदम से बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस आए, तो हम सब फ़ौरन कानों पे हाथ रख लेते हैं, ठीक है। तो ये अल्लाह की तरफ से है कि वो फ़ौरन जो है वो एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में शुरू हो जाता है धमाके की आवाज़ से, और हम अपने आप को ऊंची आवाज़ से बचाने के लिए फ़ौरन जो है वो कान अपने कवर करते हैं कि हमारे जो है वो जो हमारा, आप सोचें, ऑडिशन है या जो हमारे सुनने की सलाहियत है वो बच जाए, ठीक है। तो ये भी एक अल्लाह की तरफ से एक मैकेनिज्म है, ठीक है। इसके अलावा आप देखें कि बच्चों को जब आप किसी ऊंचाई से गिराने की कोशिश करते हैं या ऐसे थोड़ा सा प्रिटेंड करते हैं कि ये गिर जाएगा, तो बच्चा फ़ौरन आपको ज़ोर से पकड़ लेता है। तो ये भी उसके अंदर अल्लाह ने रखा है कि उसको वो डर जाता है कि मैं कहीं गिरूंगा तो तेरे मुझे चोट लग जाएगी, और वो बच्चा जो है वो डर जाता है और वो आपको फ़ौरन का
कस के पकड़ लेता है, ठीक है। तो ये यानी खौफ जो है वो उसका एक रिस्पांस जो है, जिसको एकदम से जो स्ट्रेस में आप चले जाते हो, तो वो एक अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम है जो कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। लेकिन अगर ये बढ़ जाएगा तो फिर ये बीमारी बन गई, ठीक है जी। अच्छा, ब्रेन लेवल पे क्या होता है? ब्रेन में एक आप समझें कि एक आलमंड शेप्ड एक स्ट्रक्चर होती है जिसे आप एमिगडला कहते हो, ठीक है। तो एमिगडला सोचें कि ये एक बॉस की तरह होता है, ठीक है। तो जब भी जैसे अब कोई बंदा एंजाइटी में जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे अब ये एक बहुत मूछों वाला सा एक आदमी किसी ने देखा और वो उसे परेशानी हो गई, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि वो मूछों वाला आदमी की जो थॉट है वो फौरन एमिगडला को जाती है, और एमिगडला जो है उसके फिर कनेक्शंस होते हैं बाकी बॉडी के साथ, यानी ब्रेन में ये होता है और वो बाकी बॉडी को डिफरेंट सिग्नल्स फौरन दे देता है। अब वो सिग्नल्स क्या होते हैं? वो सिग्नल्स ये होते हैं कि भाई फौरन से भाई हार्ट बीट तेज कर दो, अच्छा जी फिर हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसको तंग कर दो, ब्लड प्रेशर तेज कर दो, यानी एक वो जो आपका जो घबराहट की कैफियत है ना, वो अमिगडला का जो फौरन एक मतलब देखें आप, पहले थॉट गई अमिगडला को, अमिगडला ने जो है सारी बॉडी को फौरन एक जो है स्प्रेड कर दिया मैसेज, ओहो भाई कोई खतरा है, ठीक है। तो इस सूरत में जैसे हम कह रहे हैं, तो खतरा क्या था? ये आदमी था जो कि एक किसी ने देखा, और उसके पीछे जो उसके कोई स्टोरी थी, मतलब वो उसने उस आदमी से वो जो है वो मतलब टेरोराइज था इसी तरह की मूछों से, उसने फिर देखी, फिर वो जो है ना रिस्पॉन्स उसकी परेशानी का वो उसके ब्रेन से शुरू हुआ और सारी बॉडी में स्प्रेड हो गया। तो ये इस तरह से होता है। तो जो हमारी एंजाइलिटिक्स ड्रग्स होती हैं वो इस स्ट्रक्चर को जो है ना वो सुला देती हैं, ठीक है। तो ये जब ये स्ट्रक्चर ये सोई रहती है, तो फिर वो ये मतलब अब देखें ना, अब जैसे कोई दरबान हो वो सोया रहे, ठीक है, तो वो जाहिर है वो फिर कोई रिएक्शन नहीं देगा जब चोर आएंगे। तो मतलब ये स्ट्रक्चर भी इसी तरह का एक गार्ड है, जब मतलब ये सो मतलब आपकी जब एंजाइलिटिक्स लेते हो वो इसको सुला देती हैं, ठीक है। जब ये सो जाता है तो फिर ये जाहिर है आपको कोई एंजाइटी की कैफियत हो ये बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करता और आपके अंदर कोई एंशियस फीलिंग्स नहीं आती, ठीक है। अच्छा जी, अब एंजाइटी वाले लोग करें क्या? अब एक तो ये मेडिसिन हैं आप ऑलरेडी ले रहे हैं, और मतलब आपकी मर्जी है कि वो आप खाना चाहते हैं या नहीं खाना चाहते कुछ लोगों को, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि कुछ काम जो आप ज़रूर करें और उससे जो है आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। इसमें यह है कि आप अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना सीखें, ठीक है। सबसे पहले आप सोचें कि आखिर मेरे अंदर क्या कौन सी ऐसी थॉट आती है जिसकी वजह से जो है मैं एनजाइटी का शिकार होती हूँ। उस थॉट को कंट्रोल करें, उसको फिगर आउट करें कि वो कौन सी ख्याल है जो मेरे अंदर आता है, ठीक है, और मैं जिसकी वजह से मैं परेशान होती हूँ, ठीक है। अब जैसे ख्वातीन है शादीशुदा है, वो बहुत सी बातें हो सकती हैं, जैसे वो हो सकता है कि ससुराल वालों को देखती हैं वो परेशान हो जाती हैं, वो मियाँ हैं कोई अब्यूसिव है उनको उनकी वजह से वो परेशान रहती हैं, तो वो अपना फिगर आउट करें कि आखिर कौन सा ख्याल उनको तंग किए हुए है, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे व्यूअर्स, सुबह उठें और ऑक्सीजन लें। सुबह की जो है ना ऑक्सीजन, यानी सुबह आप यानी फजर के बाद उठें या अर्ली मॉर्निंग जैसे भी आप उठते हैं, तो फौरन बाहर जाएं और ताज़ा हवा में सांस लें। ये बिल्कुल एंजाइटी डिप्रेशन के लिए एक बेहतरीन दवा है। अक्सर लोग लेकिन जो है ये करते नहीं, क्योंकि जिनको एंजाइटी होती है डिप्रेशन होती है वो अक्सर सारा दिन सोए रहते हैं, तो ये सुबह की जो ऑक्सीजन है आपने ज़रूर लेनी है। अच्छा, आप डिफरेंट स्मेल्स हैं जैसे लेवेंडर है, लेमन है और ऑरेंज की स्मेल है, इनका इस्तेमाल करें। मतलब डिफरेंट इसके जो है वो स्प्रेज मिलते हैं वो यूज़ करें, या वैसे इसके जो है अगर आपको फ्लावर्स वगैरह लेवेंडर के मिल जाएँ तो फिर तो बेहतरीन है, तो वो उनको इस्तेमाल करें, उनको सूंघते रहें। और ऑयल्स भी मिलते हैं, वो भी आप ऑयल मतलब वो जो डिस्पेंसर्स होते हैं वो भी इजीली अवेलेबल हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा व्यूज, इसके अलावा पोटेशियम और मैग्नीशियम चेक करवाएं ब्लड में, हो सकता है कि आपका ये कम हो और उसकी वजह से आपको एंजाइटी हो रही हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना एक मैं जापानीज इलाज बताती हूँ, इसको शैट्सु पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है, तो वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह इससे भी आपको जो है ना हेल्प मिलेगी। तो अब उसमें शैट्सु पॉइंट्स क्या है कि एक तो ये है कि ये जो पाम है, ठीक है, ये मेरा राइट हैंड है ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो इससे जो है इसका दरमियान में ना इसको दबाते हैं, जब आपको एंजाइटी हो आपने ये दबाना है, इसको दरमियान से जोर से दबा के रखें, कोई 60 सेकंड तक दबाए रखें, ठीक है। अच्छा, तो ये दब गया, तो ये इससे भी जो है एंजाइटी कम होती है। अच्छा, कान का जो होता है ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है पिन्ना इसे कहते हैं ना, तो अगर पिन्ना को भी अगर आप हल्का हल्का, अगर किसी बच्चे को एंजाइटी होती है तो माँ कर सकती है, वो पिन्ना जो उसका ऊपर वाला गोल वाला हिस्सा होता है तो उसको भी अगर आप हल्का हल्का रब करें उससे भी आपकी एंजाइटी कम होगी। अच्छा, फिर एक इधर पॉइंट होता है, ये देखें ये मेरा हाथ है लेफ्ट वाला, और इसका यानी ये इसके ऑपोजिट इधर इधर एक पॉइंट है, ठीक है, तो इसको दबाए रखेंगे तो 60 सेकेंड, तो ये भी जापानीज एक इलाज है, तो ये मैं आपको बता रही हूँ, तो इसको 60 सेकेंड दबाए रहेंगे ये भी आपकी एंजाइटी को कम करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ ये होता है कि ऐसे इसको हाथ को जो है फौरन ये यूं ऐसे करें करे रखें थोड़ी देर,
यानी इनको सारी हाथ को ना ये यूं इसको